हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो हम करने वाले हैं हमारी 11th मैथ जो चली रही है हमारी, और हम उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स। ठीक है, तो देखो सेट्स में हमने क्या कर लिया था, हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारी जो भी फर्स्ट क्लास थी या फिर हमारी सेकंड क्लास थी, वो दो रही थी हमारी जो सेट्स होता है ना उसको प्रदर्शित करने के ऊपर। ठीक, अब उसको प्रदर्शित करने की कितनी विधियाँ थीं, कैसे मैंने किया था, वो आपको पता ही होगा। चलो बता रहा हूँ, एक थी हमारी रोस्टर, एक थी हमारी समुच्चय निर्माण। ठीक, दो विधि मैंने आपको बताई थी, रोस्टर किस प्रकार थी और हमारी जो समुच्चय निर्माण थी वो किस प्रकार थी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बता रहा, आपको याद है तो कन्फर्म पता ही होगा क्या होती है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा था हमारी जो प्रश्नावली के सवाल करें, फिर अगली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो भी होता है ना वो कौन सी जो सम सेट्स थे ना उनके प्रकार के बारे में। ठीक है, अब देखो सेट्स के जो प्रकार थे वो मैंने आपको कौन कौन से बताए। सबसे पहले मैंने आपको सेट्स का प्रकार बताया था हमारा रिक्त वाला, रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय होता क्या है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल ही रहा होगा आप लोगों को, रिक्त समुच्चय होता है खाली समुच्चय। ठीक है, जो कि कल बखूबी आपको पता ही चल नाम से पता चल ही गया होगा, रिक्त समुच्चय खाली समुच्चय होता है और उसमें एक भी अवयव नहीं होता, ये होगा हमारा रिक्त समुच्चय। उसके उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक, अब बात करते हैं हम परिमित और अपरिमित समुच्चय की। सेकंड नंबर पे वही मैंने कराए थे। तो देखो परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय मैंने बताया था नाम से ही स्पष्ट है, परिमित समुच्चय होता है हमारा निश्चित समुच्चय। ठीक है, निश्चित समुच्चय क्या मतलब है, उसमें होती है हमारी जो भी अवयव होते हैं ना उनकी संख्या निश्चित होती है, और वो क्या होता है रिक्त समुच्चय भी होता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो परिमित समुच्चय के, और मैं आपको शायद कन्फ्यूजन होगा वो रिक्त समुच्चय की वजह से होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको परिमित समुच्चय, एक तो बताया था मैंने परिमित समुच्चय। ठीक है, और एक बताया था हमने अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ये दो बताए थे। ठीक, मैंने परिमित समुच्चय में एक शब्द लिखा था रिक्त समुच्चय होता है, क्या लिखा था मैंने, एक शब्द लिखा था रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्लस रिक्त समुच्चय और कौन सा था, रिक्त समुच्चय के साथ साथ में इनकी जो अवयवों की संख्या निश्चित थी, क्या थी, संख्या निश्चित थी। ठीक, ये हो गया, परिभाषा क्या बनी इसकी, परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या बनी, देखो ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो और उसकी जो भी अवयव है उनकी संख्या निश्चित हो गई परिभाषा, वह समुच्चय क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब देखो रिक्त समुच्चय से क्या मतलब है, रिक्त समुच्चय में बताया था कि एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की जो संख्या होती है वो एक भी नहीं होती, रिक्त समुच्चय हो गया ये वाला। जब ये रिक्त है तो ऑफिशियली बात है कि ये जो रिक्त वाला हमारा निश्चित होगा। ठीक, किसी के पास में एक भी रुपया नहीं है, इसका मतलब हुआ कि वो निश्चित है कि उसके पास में एक भी रुपया नहीं है। अगर आपसे अगर उससे कहें कि उसके पास में कुछ रुपए हैं, अगर हम कहें कि उसके पास में कुछ रुपए हैं तो इससे पता चलेगा कि उसके पास में रुपए हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उसके पास में कितने रुपए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि रिक्त समुच्चय एक निश्चित होता है, हमारे पास एक भी रुपया नहीं, इसका मतलब हम निश्चित है कि हमारे पास में एक भी रुपया नहीं है। इसलिए कहा है कि जो रिक्त समुच्चय है वो भी एक तरीके का परिमित समुच्चय होता है। ठीक, आई समझ में आपको। अब बात करते हैं हम अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो हमारे अवयव होते हैं ना, इस संख्या निश्चित किसकी है, अवयवों की है, ये अवयवों की है। ठीक है, ये आप लिख याद रखना, कहीं मैंने लिखा नहीं, आप सोचो पता नहीं क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित है। ठीक, अब देखो अपरिमित समुच्चय में क्या होता है, अपरिमित समुच्चय में होता है हमारी संख्या अनिश्चित होती है, संख्या अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब, अनिश्चित का मतलब यह निश्चित नहीं, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक, पहला मैंने बताया समान समुच्चय, सॉरी रिक्त समुच्चय बताया पहला मैंने, रिक्त समुच्चय बताया मैंने पहला, जिसमें कोई अवयव नहीं होता,
जिसमें कोई अवयव नहीं होता, कोई अवयव नहीं होगा। फिर मैंने बताया परिमित समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय में संख्या निश्चित होती है और जो भी अवयव होता है वो रिक्त भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको अपरिमित समुच्चय के बारे में, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको थर्ड समान समुच्चय, फिर मैंने बताया था आपको थर्ड समान समुच्चय, ये क्या होता है। इसमें देखो कोई भी दो होते हैं, दो समुच्चय होते हैं, पहली बात तो दो समुच्चय होते हैं, ठीक है। अगली बात, दो समुच्चय के बाद में मैंने बताया था आपको कि जो भी इसके जो दोनों समुच्चयों के जो अवयव होते हैं ना वो बराबर होंगे, दोनों समुच्चयों के अवयव बराबर होंगे, दोनों समुच्चयों के अवयव बराबर होंगे, बराबर कह दो या समान कह दो आप, ये है। फिर हम कह सकते हैं कि इसके दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या भी समान होगी, ठीक है, दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या भी समान होगी, दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या भी समान होगी, ठीक है। हो गया आपको रुपए इस कंसेप्ट क्लियर। रिक्त समुच्चय बताया, परिमित समुच्चय बताया, अपरिमित समुच्चय बताया, समान समुच्चय बताया, ठीक, तीनों परिभाषा याद है। अब बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली की ओर, ठीक है, कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है, किस प्रकार है, उसमें बताया, सिर्फ इतना ही बताया, इतना ही बताना है आपको कि कौन सा ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो समान है या फिर रिक्त समुच्चय है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे इसके अंदर। लेकिन आगामी जो भी प्रश्नावली है या फिर आगामी जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े ठीक ठाक लेवल का आएंगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली को लेके। चौदह पॉइंट दो देखो, आपके जो भी एक पॉइंट दो जो दे रखी है ना, इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो आप मुंहजबानी कर सकते हो, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर भी। आपको वन लाइनर ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे, आप पहले का पहला ले लो, ठीक है, पहले का पहला जो भी रिक्त, उसमें कहा गया है कि निम्न में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, क्या कहा गया है आपको प्रश्न में, कहा गया है कि निम्न में से जो भी आपको उदाहरण दे रखे हैं ना उनमें आपको ज्ञात करना है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन इसमें लिख रहा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताओ, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताओ, ठीक है, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, बताओ। कल भी मैंने बताया था आपको कि कोई भी संख्या है वो अगर भाज्य है तो एक तो खुद से है और एक से है, लेकिन दो से कोई भी भाज्य संख्या नहीं होती, और वो भी विषम, कोई भी संख्या विषम अंक, विषम संख्या दो से भाज्य, दो से या फिर अभाज्य नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला जो पद हो गया हमारा, वो हो गया हमारा रिक्त समुच्चय, ठीक। इसके नीचे आपको लिख देना है कि कोई भी संख्या या कोई भी विषम संख्या दो से भाज्य नहीं होती, इसीलिए ये जो दिया हुआ है वो हमारा किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण, ठीक है। अब बात करते हैं हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने बताया था आपको कि जो दो है, मैंने क्या बताया था आपको कल, मैंने जब मैंने बताया था ना आपको रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय के नीचे मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि दो से सम भाज्य, दो से सम अभाज्य समुच्चय,
क्योंकि जो दो है ना, दो है, दो से बड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सम अभाज्य क्वेश्चन है, देखो सम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये है सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो देखो, अब रिक्त समुच्चय होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जब सम की बात करें ना, सम की बात करें तो एक संख्या आती है दो, ये दो आती है, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, मैंने कल बताया था आपको, दो क्या, एक दो एक अभाज्य संख्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, प्लस में सम भी है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो ये क्या नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के, देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, मजला कोष्टक लगा हुआ है, उसके बाद में एक्स कॉलन, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, और एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, और साथ ही, और साथ ही एक्स इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब देखो इसको गौर से देखो, सवाल को देखो, सवाल में कहा गया है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए आपकी, और एक्स से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है भाई, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, बनी नहीं, और वो भी प्राकृतिक में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ में कहा गया है वाई कॉलन वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखा कैसे, किसे कहते हैं, देखो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गई। अब समांतर रेखा फिर बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है हमारा जो भी है दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन हो। जैसे देखो हमने ये दो लाइन ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, जब वो दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन जब समांतर हैं, क्या है, जब समांतर हैं तो कोई भी इसमें उभयनिष्ठ है ना, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसा उदाहरण है हमारा, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण, रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ठीक, ये साफ कर दें, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, सिंपल से सवाल है और आप इनको खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ना कंसेप्ट आपको बता ही दिया है, जो आपको इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, और उन्हीं के बेसिस पे आपको सवाल करने हैं तो सरल हो जाएंगे आपके लिए, कर सकते हो आराम से। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की, जो जिसमें कहा गया है कि परिमित और अपरिमित दिखाना है, ठीक है। अब देखो मैंने परिमित की क्या बताई थी, परिमित की बताई थी कि एक तो रिक्त समुच्चय परिमित होता है हमारा, अगर भी अगर कोई भी जो हमारा समुच्चय है और वो रिक्त है तो वो भी हमारा परिमित होगा, और उस जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी वो भी हमारा परिमित होगा, और अपरिमित की क्या बताई थी, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो वो हमारा अपरिमित होगा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, सोच के बताओ क्या होगा। अब वर्ष में देखो 12 महीने होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी के मतलब 13 हो, किसी के 14, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं होते, सभी वर्ष समान होती हैं, 12 ही होते हैं महीने, तो कैसा हो गया, समान हो गया, परिमित हो गया, निश्चित हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, ठीक। अब बात करते हैं अगले, अब देखो आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है इसमें 1, 2, 3 से डैश 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 आगे तक, अनंत तक जा रही है गाड़ी, कोष्टक लग के गाड़ी जा रही है अनंत तक, ठीक। देखो दूसरे का सेकंड, देखो दूसरे का सेकंड में क्या कहा गया है, 1, 2, 3 और डैश डैश डैश। अब ये जो डैश 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 हम करते हैं ना, ये जो डैश ये अनंत तक जाती है, ये आप याद रखें, अनंत तक जाती है, और जब अनंत तक जाएगी तो निश्चित थोड़ी ना होगी, जब अनंत तक जाएगी तो निश्चित थोड़ी ना होगी, अनिश्चित होगी,
और जब बात अनिश्चित की आती है तो हमें याद आना, याद क्या आता है, अपरिमित याद आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे कोई भी निश्चित होता, जैसे ये तो हो गया हमारा, चलो अगला ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश 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 कहाँ तक, 10,000 तक, तो ये क्या होगा, निश्चित हो गया, क्योंकि खत्म, हम इसको काउंट कर सकते हैं, 10,000 हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 से 10,000 की बात कर रहा है, काउंट कर सकते हैं, निश्चित है संख्या, तो क्या होगी हमारी, ये हमारी निश्चित हो गई, तो ये क्या होगा, परिमित हो गई। ठीक है, इसी की देखो, इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक, 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक की बात कही गई है, तो ये हमारा होगा परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक, मैंने क्या बताया था कि हमारी संख्या है वो अनिश्चित है, संख्या अनिश्चित है, चाहे वो एक से शामिल कर लो, चाहे आप 100 से ऊपर देख लो, वो हमारी क्या होने वाली है, अनिश्चित ही होने वाली है। अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें, 1 की जगह यहाँ 100 लिख दें, 100 यहाँ, 200 यहाँ, 300 और फिर डैश 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 कर दें, फिर क्या होगा, ये फिर भी अनिश्चित रहने वाली है भाई, अनंत तक जाएगा ना ये डैश डैश डैश, तो अनंत तक ही जा रहा है, अनंत तक कुछ भी जाए, अनंत तक हमारा कुछ भी जाए, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अनंत तक जा रहेगा, अनंत तक अगर हमारी मतलब पहुंच जा रही है, तो उसका मान हम अनिश्चित ही लगा कर चलेंगे, और जो उसमें समुच्चय होगा वो होगा हमारा अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बताओ, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बताओ, निश्चित है। एक तो आपसे ये कहा जाए कि 100 से कम संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम संख्याओं का समुच्चय, एक तो ये कहा जाए आपको, ठीक। अब जब हम 100 से कम की बात कर रहे हैं, तो 100 से कम जितनी भी आएंगी वो निश्चित होंगी ना, अगर हम 100 से कम की बात करी जाए तो वो निश्चित होंगी ना। ठीक, इसी प्रकार देखो, उसमें कहा गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब जितने भी समुच्चय होंगे वो अनिश्चित तो नहीं होंगे, ये तो डेफिनेटली है, जितने भी होंगे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, निश्चित होंगे वो। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा निश्चित समुच्चय के अंदर। ठीक, और निश्चित समुच्चय को परिमित समुच्चय बोलते ही हैं। चलो अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, सेम है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पहला सवाल क्या है, इसको साफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन को, सरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो तो आगे रहने वाले हैं, ये तो हमारा बेसिक नॉलेज के लिए ही है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे का कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताओ, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं। ठीक है, देखो एक्स अक्ष हमारा कैसे मानते हैं हम, देखो बनाए होगा आपने आलेख वगैरह, दो एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, इसको हम एक्स डैश भी बोलते हैं, इसको हम वाई डैश भी बोलते हैं। ठीक, अब उसमें कहा गया है कि जो ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष, इसके समांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय, इसके समांतर हम यहाँ पे कितनी भी खींच दो, देखो कितनी भी खींच दो, इसके ऊपर भी आप कितनी भी खींच दो, मतलब वही अनंत वाली बात आ रही ना, अनंत वाली बात, तो अनंत, जब अनंत वाली बात आ जाएगी तो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। ठीक, चलो अभी बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित होते हैं 26, निश्चित हैं। ठीक है, तो उनसे बनने वाले जो भी समुच्चय हैं वो भी निश्चित ही होंगे। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा परिमित समुच्चय के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन में आ गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। जब हमारा कोई भी जो भी हमारे जो भी ये जो संख्या दी हुई है ना, अगर संख्या में क्वेश्चन है तो आप थोड़ा ध्यान से करें वो वाला सवाल। देखो 5 से गुणज, 5 से गुणज संख्या, अगर बात करें हम 5 से गुणज की, तो देखो 5, 10, 15 यहीं से स्टार्ट होगा ना,
अगर हम पांच पांच से गुणन संख्याओं की अगर बात करें हम, तो वो पांच से तो स्टार्ट होंगी भाई। इससे अगर इससे छोटी क्या, चार है, तीन है, दो है, एक है, लेकिन ये वाली पांच से गुणन थोड़ी ना है, ये वाली पांच से गुणन थोड़ी ना है, तो ये नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? पांच से लेंगे स्टार्ट, पांच से स्टार्ट होने वाली है। पांच, दस, पंद्रह, बीस, इसी प्रकार डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और अनंत तक जाने की वजह से ही इनकी जो भी अवयव हैं उसमें अनिश्चित होंगे, और जो समुच्चय होगा वो अपरिमित होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो तो पृथ्वी पर जितने भी रहते हैं ना, उन सबके नाम पता है हमें, और वो निश्चित होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जानवरों का समुच्चय है ना, वो क्या होगा? परिमिति होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो हमने ये जो आलेख बनाया, ठीक है ना, एक ग्राफ खींचा। अब देखो मूल बिंदु से हमें ग्राफ खींचने हैं, तो मूल बिंदु से होकर कितने भी ग्राफ खींच लो आप, ठीक है ना, ये हमारा मूल बिंदु ही होगा। ये तभी इसका मूल बिंदु है, अब भी यही मूल बिंदु है, अब भी यही मूल बिंदु है, ठीक है ना। तो कहाँ तक? ये अनंत, ये भी अनंत तक जाने वाला है। और जब ये भी अनंत तक जाएगा तो हमारा कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक ठीक है दोस्तों। तो अभी आपके हो गए तीन सवाल। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ठीक है, अब ए बराबर बी वाली कंडीशन मैंने कहाँ बताई थी आपको, याद करो, मैंने बताई थी आपको वो समान समुच्चय के अंदर। समान समुच्चय में क्या होता है, जब समुच्चय ए के अवयव, मतलब कोई दो समुच्चय होते हैं ए और बी, मान लो समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से समान होते हैं, उनकी संख्या समान होती है और अवयव भी समान होते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब बात करते हैं। देखो फोर्थ का फर्स्ट ले लो आप, फोर्थ का फर्स्ट देखो, फोर्थ के फर्स्ट में ए बराबर बोल रहा है यहाँ पे ए बी सी ए, ए बी सी ए, ठीक है, और नीचे लिख लो बी बराबर बोल रहा है हमारा क्या है, बी बराबर है ए सी बी ए, यही है ना। हाँ ऐसा करो, देखो इसको डी कर लो आप, एक को डी कर लो, क्योंकि ना, क्यों डी कर लो क्योंकि ना मतलब किसी भी समुच्चय में हमारे जो अवयव हैं वो कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो एक को डी कर लो आप, एक को डी कर लो। ठीक, अब बताओ आप ये समुच्चय समान है या नहीं है, ए बराबर बी है या नहीं है, क्या लगता है आपको? देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ए बराबर बी हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ए और बी समान समुच्चय है, ये दोनों क्या है, समान समुच्चय है, हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम, देखो सेकंड ले लो, सेकंड में देखो ए बराबर क्या दे रखा है, 4 8 12 16, ए बराबर 4 8 12 16, और बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर बोल रहा है 8 4 16 और 18। ठीक है, देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि हमारा जो ए बराबर है ना, ए बराबर बोल रहा है 4 8 12 और 16, ठीक, और बी बराबर क्या बोल रहा है, बी बराबर बोल रहा है 8 4 16 18, 8 4 16 और 18, ठीक। अब यहाँ पे देखो 8 4 हैं यहाँ पे, बिल्कुल हैं, 16 है, 16 भी है, 16 भी है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये जो 12 है ये यहाँ पे मिस हैं, मतलब मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो अवयवों की संख्या समान नहीं है, जब अवयवों की संख्या समान नहीं है तो क्या कहेंगे हम, कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दो समान समुच्चय नहीं है। अब बात करते हैं देखो सेकंड की, देखो सॉरी थर्ड की, थर्ड में क्या बोल रहा है आपको, थर्ड में कह रहा है कि ए बराबर 2 4 6 8 10, ठीक है, यहां पे एक समुच्चय दिया हुआ है,
ए बराबर 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और बी बराबर क्या कह रहा है? बी बराबर कह रहा है एक्स कॉलन एक्स सम धन पूर्णांक है, सम सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। एक मिनट बताओ, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये सही है या गलत, मतलब ए बराबर बी है या नहीं है, देख के बताओ। देखो यहां पे बोल रहा है कि एक्स सम धन पूर्णांक है, एक्स क्या है? सम धन पूर्णांक, एक्स कह रहा है कि यहां पर एक्स क्या है? एक सम धन पूर्णांक है। अगर अब सम धन पूर्णांक है और वो कह रहा है कि एक्स का जो मान है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए, 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए, अगर हम इस समुच्चय निर्माण रूप को अगर हम रोस्टर के रूप में ले जाएं तो ये यहां पे यही होगा, ठीक है। एक तो धन पूर्णांक हो, अगर केवल धन पूर्णांक की बात करता, अगर ये कंडीशन दे रखी होती, ये वाली कंडीशन दे रखी होती और बात करता धनपूर्णांक की बात करता तो 1 से लेकर के 10 तक आ जाते, ठीक है। लेकिन अगर यहां कह रहा है सम धन पूर्णांक, यहां क्या बात हो रही है? यहां बात हो रही है सम धन पूर्णांकों की, और जब सम धन पूर्णांकों की बात हो रही हो तो सम संख्या हम यहां पे लेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, ऐसे ही 10, ठीक है, 8 और ले लो बीच में, तो ये सम धन पूर्णांक होंगे और ये सिर्फ धन पूर्णांक होंगे। यहाँ पे पूछा गया है सम धन पूर्णांक जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये हुआ इसका साफ साफ कि ए बराबर बी है और ये जो है वो समान समुच्चय है, ठीक है, ए बराबर बी है, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ का, फोर्थ ए बराबर एक्स कॉलन एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और बी बराबर क्या कह रखा है? 10, 15, 20, 25, 30। देखो 10 का गुणज कहा है इसने, ए में 10 का गुणज कहा है, लेकिन जब बी दे रखा हुआ ना रोस्टर फॉर्म में 10, 15, 15 होता है क्या 10 का गुणज? नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इसको कह देंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, ठीक, फोर्थ कर लेना आप। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो और कर ही लिए होंगे, ठीक है, करते हैं साफ, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि युग्म कौन सा समान है, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताओ। देखो यहाँ पे इसमें दो ही सवाल हैं तो दोनों देख लो ठीक ठाक करते हैं इनको, ये ठीक है फिर भी। और उसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर 2 और 3, ठीक, बी बराबर 5x+6 = 0 का एक हल है, x²+5x+6 = 0 का 0 का एक क्या है? हल है, हल है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया।
अब देखो ए बराबर हमारा दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, अगर हम बी को रोस्टर के फॉर्म में लिखें तो ये हमों को हल करना पड़ेगा समीकरण। तो समीकरण क्या हुआ हमारा, समीकरण है हमारा, ये आप मत लगा लेना ठीक है, समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 बराबर 0। अच्छा आपने समीकरण, ये जो समीकरण को हल करना है ये तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है, इस गुणा करने पे 6 आनी चाहिए और हमारी जो प्लस माइनस है प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऐसी संख्याएं हमारी 2 और 3, 2 और 3 है ना, और चिन्ह हम इसके अनुसार लगाते हैं, दोनों प्लस में हैं तो ये प्लस आ जाएगा। तो करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर रखेंगे 2x प्लस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो कॉमन ले लो, पहले दो पदों में से कॉमन क्या जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो 2x है, 1x कॉमन ले ले तो एक एक बचा, और यहाँ पे 1x ले लिया तो यहाँ पे 2 बचे प्लस में, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे x प्लस 2 ठीक है, बराबर क्या है 0। अब देखो ये तो जो ये दो समान हो गए तो x प्लस 2 ठीक, और यहाँ पे ये जो हैं इनके गुणांक इनको अलग कोष्टक में लिख दो x प्लस 3, ऐसा ही करते हैं ना आपने 10th में किए होंगे ये सब तो ठीक है। अब देखो एक बार तो हम x प्लस 2 बराबर 0 लिखते हैं, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लिखते हैं, तो x बराबर क्या आ गया माइनस के 3, और एक बार x का क्या आ गया माइनस के 2 ठीक। तो ओवरऑल हमारा जो भी ये जो फॉर्म है ना, ये इसका क्या यहाँ पे क्या निकल के आया, ये इसके जो मान निकल के आए ना b बराबर आया हमारे पास में माइनस के 2 और माइनस के 3 ठीक, यही आया निकल के माइनस के 2 और माइनस के 3। लेकिन हमें यहाँ पे a क्या दे रखा है, a दे रखा है 2 और 3, वो भी प्लस के, जब a और b यहाँ पे बराबर नहीं है ठीक है, या प्राप्त मान बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ये क्या पूछ रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है कारण सहित बताइए ठीक है ना। तो यहाँ पे कह देंगे कि अभी आपकी जो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी की जो अवयव है ना, कि अवयव असमान है, कैसे हैं असमान है, अतः ए इज नॉट इक्वल टू बी ठीक है। नोट डाउन कर लो आप ये सवाल, फिर अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलो देखते हैं अगला सवाल, बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम फिफ्थ के सेकंड की, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। देखो फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, ए बराबर दिया हुआ है के कॉलन एक्स शब्द फॉलो का, इसको एक्स करो ठीक है, इसको भी एक्स करो और यहाँ पे भी एक्स आएगा ठीक है,
क्योंकि ना हम एक्स की यहाँ पे समान अंक आएंगे, जो यहाँ पे आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, जिसके बारे में हम खासियत बताने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखो ये वाला। तो ए बराबर ए कॉलन एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का अक्षर है, एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, एक्स शब्द फॉलो एफ ओ डबल एल ओ डब्लू फॉलो का एक अक्षर है, ठीक। चलो दोबारा लिख लेते हैं, ठीक। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है बाई कॉलन बाई शब्द बॉल्फ का एक अक्षर है, बाई शब्द बॉल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ बॉल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। देखो यहां पे दिया है फॉलो और यहां पे दिया है बॉल्फ शब्द, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं फॉलो शब्द की, अगर हम ए को रोस्टर रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए को रोस्टर रूप में लिखें तो देखो एफ उसके बाद में ओ, ठीक, ओ के बाद में एल और एल के बाद में डबल एल लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे एक ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमारा एक यहाँ पे क्या बचा, डब्लू बचा, ये हमारा ए हो गया। अब बात करते हैं बी की, बी का रोस्टर रूप क्या कहता है, बी का रोस्टर रूप को देखो सब समान है तो बी का रोस्टर रूप तो लिख ही लो आप, ये तो बराबर ही आ जाएंगे, डब्लू ओ एल एफ, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये दोनों समान है, समान समुच्चय हुए नहीं, समान समुच्चय, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, ठीक है दोस्तों। इसको भी नोट डाउन कर लो। बात करते हैं हम, एक लास्ट सवाल है तुम्हारा शायद सिक्स्थ, फिर उसकी बात करते हैं, करो नोट डाउन। देखो सवाल नंबर सिक्स, देखो सवाल नंबर सिक्स में क्या कहा गया है कि जो उसमें लिखा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान अवयवों का चयन करो, मतलब बताना है कि जो भी जितने पर भी ये आपके दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आठ हमारे जो समुच्चय दिए हुए ना, इनमें बताना है कौन सा किसके समान है, मतलब कौन कौन से आपस में समान है कौन कौन से नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो बात करते हैं ए की, ए में दिया हुआ है दो चार आठ और बारह, ठीक है। बी बराबर दिया हुआ है एक दो तीन और चार, सी बराबर दिया हुआ है चार आठ बारह और चौदह, ठीक है साहब। डी बराबर दिया हुआ है तीन एक चार दो, तीन एक चार दो। ई बराबर हमारा माइनस एक और एक, एफ बराबर है हमारा जीरो और ए, ठीक है दोस्तों। और हमारा एक हो गया जी, जी बराबर है हमारा एक और माइनस एक, एक और माइनस एक, फिर उसके बाद में लास्ट हो गया हमारा एच, और एच दिया हुआ है यहाँ पर जीरो और एक, तो ये हमारे आठ दे रखे हैं। अब देखो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा किस किस के समान है, तो यहां पे देखो ई और जी को देखो सबसे पहले, चलो स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्ट में देखो दो दो चार आठ बारह, दो चार आठ बारह किसी में है, देखो दो चार आठ बारह किसी में नहीं है, ठीक है, दो चार आठ बारह नहीं है, देखो यहां पे चार है
यहाँ 4 है 8 है 12 है और यहाँ पे 1 14 है, तो ये दोस्त बराबर नहीं है, तो ये किसी के बराबर नहीं हुआ। अब बात करते हैं बी की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ, देखो यहाँ पे है ये दो, तो ए बराबर बी हो गया हमारा, यहाँ ए बराबर सॉरी बी बराबर बी बराबर डी हो गया, ठीक, ये बी बराबर डी हो गया, ठीक है ना, बी बराबर डी हो गया, क्योंकि समुच्चय वी व समुच्चय डी के अवयव परस्पर समान है, या आप लाइन जरूर लिखें परस्पर समान है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद में और क्या समान है, नंबर 2 पॉइंट पे लिखो क्या समान होने वाले हैं, देखो ये समान है नहीं, ये समान हो गया। अब देखो ई का, देखो ई का जी से मिल रहा है नहीं मिल रहा, -1 1 -1 1, तो ये क्या है, ई बराबर जी है, ई बराबर जी, और ये सेम यहीं पे ये लाइन आप लिख देना कि इसके अभी अब परस्पर समान है, ठीक। और उसके बाद देखो एफ क्या है, 0 1, एफ का कोई नहीं है यहाँ पे, 0 a है लेकिन यहाँ पे 0 और 1 है, तो ये समान नहीं है। आई थिंक इसमें जो 8 मतलब इसमें क्या है, 8 जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इसमें ओनली ये दो ही है ना, ये दो बी डी और ई जी दो ही ग्रुप बनेंगे, और ये दो ही आपस में क्या है, समान है, ठीक है। इसके बाद में आपकी ये जो प्रश्नावली है ये हो जाती है हमारी ख़त्म, ठीक। तो हम अब नेक्स्ट जो भी हमारे होगा उसमें हम जो भी आने वाले टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और हमारी जो भी नेक्स्ट प्रश्नावली रहने वाली है वो रहने वाली है 1.3। तो आपको आई होप आपको समझ में आया ही होगा हम हमारी 1.1 प्रश्नावली, और हम 1.1 को क्लियर कर चुके हैं और 1.2 को क्लियर कर चुके हैं। इन दोनों के बारे में अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी समस्या हो, तो आप टेलीग्राम हमारे या फिर कमेंट वगैरह आप करके आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी मतलब हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो आप वो बता दिया करें, जो भी नीचे कैलकुलेशन में यहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो वो आप बता दिया करें, ठीक है। और अपने मित्रगणों को जरूर कहें कि हो सके तो आप शेयर भी कर दिया करें जितना हो सके, आपके सारे क्लासमेट्स वगैरह को, सब कोई लोग सब लोगों को, ठीक है, ताकि वो भी हमारा क्लास उठा के मतलब क्लास दे के थोड़ा बहुत लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो और देखते रहिए आराम से, ठीक है, और पढ़ो, अपनी जो भी छुट्टियाँ उनका सदुपयोग करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।